दोस्तों टीम इंडिया को लगा बहुत बड़ा झटका। कप्तान केएल राहुल हुए दूसरे टेस्ट से बाहर। भारतीय टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों की लगातार चोट से परेशान है। इस लिस्ट में अब एक और खिलाड़ी का नाम जुड़ गया है जिनका नाम है केएल राहुल। केएल राहुल फिलहाल टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका चोटिल होना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत कल यानी 22 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेलेगा। नवदीप सैनी के बाद भारत के कारवाहक कप्तान केएल राहुल भी चोट का शिकार हो गए हैं। उन्हें प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई है। अब गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच विक्रम राणा ने यह जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि राहुल मैच से पहले ठीक हो जाएंगे। अगर केएल राहुल दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह टीम इंडिया के कमान पुजारा संभालेंगे और साथ ही केएल राहुल के बाहर होने पर अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।